गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। मैं फिलहाल अभी मैं नेपाल में हूँ और मैं जब घर में बैठा था और जैसे बाहर निकला इतना सुंदर नजारा देखते ही बस प्रभु की दया को याद कर रहा था। और मुझे तुरंत वो वचन याद आया जैसा कि विलाप गीत में कहता है 3:22 में, हम मर मिटने गए यहोवा की महान करुणा का फल से। और करुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। और आगे कहता है प्रति भोर को, एवरी मॉर्निंग, प्रति भोर को वह नई होती रहती है। एवरी मॉर्निंग इट्स न्यू मर्सीज, तेरी सच्चाई महान है। हाँ, हमारा परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रिय भाई और बहनों, हम सोचते हैं कि सुबह में मैं उठूंगा, लेकिन जब तक प्रभु की दया नहीं है, प्रभु हमको नहीं जगाता, तब तक हमारा उठना मुश्किल हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हम प्रभु के प्रिय लोग होने के नाते हमें हर दिन जैसे हम नजारे को देखते हैं, जैसे हम वातावरण को देखते हैं, ये सख्त जरूरी है हमारे परमेश्वर की दया को हम याद करते हुए, उसकी करुणा को हम याद करते हुए हम हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना सख्त जरूरी है। हालेलुया। हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर महान है, उसकी सच्चाई महान है। और हमारा परमेश्वर का जो दया जो है हर दिन नया से नया होता रहता है। आमीन। इट्स एवरी डे न्यू मर्सीज वी रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड, सो वी थैंक ईच एंड एवरी डे, एवरी मॉर्निंग वी शुड नेवर 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 फॉरगेट टू थैंक गॉड। हम कभी कभी भी नहीं भूलना चाहिए ईश्वर का धन्यवाद करना। दोस्तों, सच में मैं आज इस सुबह के समय में आप सभी को प्रभु का संदेश यही लाया हूँ कि परमेश्वर की दया जो है महान है। और आज उसकी महान दया से हम मर मिटने गए, हर सुबह जो है हमारे लिए उसकी दया नई होती जाती है। कभी भी हिम्मत ना हारे, जैसे आपकी हालातें हैं उसको पुकारना न छोड़े। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो कोई उसकी ओर देखते हैं, जो कोई उसकी ओर ताकते हैं, वो कदापि लज्जित नहीं होंगे, वो कदापि निराश नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है। वादा किया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपका विश्वास उस पर बना रहे, आपको वो कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा, क्योंकि उसने वादा जो किया है और वो अपने वादों पर अटल रहता है। वो मनुष्य नहीं कि वो दो जुबान बोले बोले या ना करे, लेकिन वो ईश्वर है। बाइबल कहती है कि वो जो कहता है वो करता भी है। आमीन, हालेलुया। और ऐसे परमेश्वर की आप और हम स्तुति आराधना करते हैं, तो कभी हम लज्जित ना होंगे और कभी भी निराश ना हो। प्रभु पर हम भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और भी दृढ़ हो जाएंगे और उनके लिए आशीष का कारण बनेंगे। इस भोर का समय फिर से एक बार नेपाल से जय मसीह।